हाय एवरी वन वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल तो आज हम आपके लेकर आए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इजी सी रेसिपी जो कि बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी फ्राइज़ की रेसिपी और ये कोई पोटैटो फ्राइज़ नहीं है ये है स्वीट पोटैटो फ्राइज़ तो आजकल सर्दियां चल रही हैं तो स्वीट पोटैटो आसानी से आपको मिल जाएंगे तो इसकी फ्राइज़ बनाकर देखिए और इसकी रेसिपी हम आपको बताते हैं तो आइए पूरी रेसिपी देखिए मेरे साथ कैसे बनाते हैं स्वीट पटोटो की अब तक आपने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी बहुत सी चीज़ें घर पे बनती हैं शकरकंद सर्दियों में चलती हैं तो लोग इसकी बहुत सी रेसिपी बनाते हैं तो यहाँ पे हमने शकरकंद ले ली हैं आपको जितनी भी शकरकंद बनानी है फ्राइज उतनी लीजिए और ये बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी उटी लगी होती है तो इसे पहले धुल लेते हैं तो इसका क्या काम होता है कि जो हम बहुत से फ्राइज़ बनाते हैं यानी कि जो भी पटेटो फ्राइज़ या किसी भी फ्राइज़ बनाते हैं तो उसमें अलग से स्टार्च डालते हैं यानी कि कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं या किसी में मैदा ऐड करते हैं लेकिन जो इंडिया में वराइटी ऑफ स्वीट पटेटो मिलती है उसमें किसी भी स्टार्च की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत स्टार्च होता है ये जो पर्पल स्किन कलर की स्वीट पोटेटोज़ होती हैं इसमें ऑलरेडी स्टार्च होता है तो आपको अलग से किसी भी तरह का स्टार्च ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यानी कि इनको बनाना बहुत आसान है कोई भी चीज़ अलग से आपको नहीं लगेगी सिर्फ़ आपके पास स्वीट पटेटोज़ होने चाहिए और आप फ्राइज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं इसके लिए हमने यहाँ पे पोटेटोज़ जो हमने लिया है यानी कि शकरकंद इनको हमने अच्छी तरह से धुल लिया है उसके बाद छील लिया है और अब इन्हें हम फ्राइज़ के शेप में कट कर लेंगे तो जो पटेटोज़ की फ्राइज़ होती है वो थोड़ी पतले भी आप कट कर सकते हैं लेकिन जो इसके फ्राइज़ हम बनाते हैं वो एक मतलब मोटे शेप में कट करते हैं इस तरह से आप एक फ्राइज़ बड़ी बड़ी फ्राइज़ लीजिए थोड़ी सी मोटी जो हो उनमें आप कम से कम तीन स्लाइस निकाल सकते हैं फिर उसमें आप फ्राइज़ कट कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोई पतले पतले स्लाइस नहीं कट किए फ्राइज़ के यहाँ पे हमने अच्छे खासे मोटे स्लाइस ही कट किए हैं फ्राइज़ के इसी तरह से आपको सारे फ्राइज़ कट कर लेने हैं और ये बहुत इजिली आप कर लेंगे काम क्योंकि जैसे आप पोटेटोज के फ्राइज बनाते हैं वैसे इनके भी फ्राइज बनकर तैयार हो जाएंगे एंड ट्रस्ट मी गाइज इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है हमने पहली बार ट्राई किया था जब तो हमें इसका टेस्ट बहुत पसंद आया था और ये मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आया है तो आप लोग भी इसे जरूर से बनाकर देखिए यहाँ पे देखिए हमने सारे फ्राइज कट कर लिए हैं अब इन्हें हमें क्या करना है बॉयल करना है क्योंकि बॉयल करने से यानी कि इनको हमको ब्लांच करना है तो यहाँ पे हमने पानी लिया है पानी में हमने थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट ऐड किया है जब पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लग जाएगा तब हम थोड़ा सा फ्राइज़ इसमें ऐड कर देंगे जब पानी थोड़ा बॉईल हो तभी हमें यहाँ पे सारे फ्राइज़ ऐड करने हैं एक्स्ट्रा इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगेगी तीन से चार मिनट ही आपको इसे बॉयल करना है आप इसे चेक कर सकते हैं आप इसे टूथपिक से भी चेक कर लीजिए थोड़ी सॉफ्ट हो जाए बस उस स्टेज पे आपको निकाल लेना है इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे इन्हें निकालने के बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर लिया है उसमें इन रख देना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए क्योंकि इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे बस सिंपल से फ्राइज़ हैं इन्हें हमें पील करना है कट करना है बॉयल करना है और फ्राई कर लेना है आपके फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएंगे तो फ्राइज़ हमारे बॉयल हो चुके हैं अब बारी है इनको फ्राई करने की तो हमने यहाँ पे पैन में ऑयल गर्म कर लिया है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर वीडियो को आगे देखिए ताकि आप लोग और भी वीडियोस देखते रहें मेरी इसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम फ्राइज़ ऐड करेंगे इन्हें हम डबल फ्राई करेंगे तो हम एक बार जब फ्राई करेंगे तो उन्हें थोड़ी ही जल्दी निकाल लेंगे उसके बाद अगर आप जल्दी इंस्टेंट ही बना रहे हैं तो आप इन्हें एक बार फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर इंस्टेंट डबल फ्राई कर सकते हैं और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप इन्हें फ्रिज में रख दीजिए तो उससे और अच्छा इसका टेक्स्चर और क्रिस्पनेस इसकी बनी रहती है या फिर इसे आप रूम टेम्परेचर पर ही कर दीजिए इसके बाद जब ये फ्राई थोड़े फ्राई हो रहे हैं आप इनका कलर देख सकते हैं इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम इन्हें डबल फ्राई करेंगे तो हमें इन्हें इसी स्टेज पे यानी कि तीन से चार मिनट ही हमें इसे लगा फ्राई करने में उसके बाद इसे हमने निकाल लिया है और अगर आप लोग एक बार ये फ़्राइज़ ट्राई कर लेंगे तो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएंगे तो इन्हें बना कर ज़रूर देखिए आप घर पर ही बिल्कुल बाहर वाले फ्राइज़ बना कर तैयार कर सकते हैं आप इनका कलर और इनकी क्रिस्पनेस देख सकते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं तो यहाँ पे हमने एक बार इन्हें फ्राई कर लिया है ये हमारा एक बैच है जो हमने फ्राई किया है यहाँ पे हमने टोटल चार चक्कर का यूज़ की थी जिसके इतने फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं अब इन्हें हमने थोड़ी देर ठंडा किया है फिर उसके बाद हमने इसे आधा घंटा फ्रीज में रख दिया था और ये आधे घंटे के बाद इसे हमने निकाल लिया फ्रीज से और आप देख सकते हैं ये अभी उसी तरह से हैं इन्हें हम दोबारा फ्राई करेंगे तो यहाँ पे हमने सारे फ्राइज जो फ्रीज में रखे थे वो सारे दोबारा फ्राई करने हैं तो तेल हमने फिर से गर्म कर लिया और जो दोबारा फ्राई करेंगे तो तेल हमारा हॉट होना चाहिए फर्स्ट टाइम पर आप मीडियम हॉट में फ्राई कीजिए और सेकंड टाइम पर फ्लेम आप हाई रखिए ताकि बस क्योंकि इन्हें हमें अंदर से पकाना नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये है बॉयल हैं और एक बार फ्राई भी हो चुके हैं तो बस इसमें हमें गोल्डन ब्राउन कलर लाना है जिससे क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें हमें दो मिनट ही लगा है इसे गोल्डन ब्राउन कलर लाने के लिए दो मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब तक तो आप लोग ये जान गए होंगे कि वीडियो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आपको ये फ्राइज़ बना कर खिला सकें और खुद भी खा सकें और वीडियो को पूरा देखिए कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर वीडियो को आगे देखिए और यहाँ पर बातों ही बातों में हमें फ़्राइज़ भी फ्राई हो चुके हैं यहाँ पे हमने सारी फ्राइज निकाल लिए हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं यहाँ पे देखिए हम आपको एक बोल में निकाल कर दिखाते हैं और इनकी क्रिसनेस भी सुनाते हैं तो पहले हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करेंगे यहाँ पे हम ज्यादा कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ही ऐड किया है और ये इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप सुनिए इनकी आवाज़ तो आपने देखा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए अब इसमें हम बनाएंगे एक बहुत ही चीज़ी सी डिप जो बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है आप लोग इसे किसी भी चीज़ के ट्राई कर सकते हैं इसके लिए हमने यहाँ पे लिया मेन्यूज़ टमाटो कैचअप चिली सॉस और शेज़वान सॉस सिर्फ चार चीज़ों से आप इतनी मज़े की डिप घर पर तैयार कर सकते हैं ये बहुत इंस्टेंट बन जाती है इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं करने की ज़रूरत है और ये बहुत मज़े की रहती है आप किसी भी चीज़ के ट्राई कर सकते हैं चिप्स के साथ किसी भी स्नैक के साथ इस हर चीज़ के साथ आपको बहुत मजे देगी हमने इस डिप को बनाया है और इसे आप स्टोर भी करके रख सकते हैं आप ज़्यादा सी डिप बनाकर रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो कोई भी स्नैक या चिप्स के साथ खाने के लिए तो आप इसे निकाल कर खा सकते हैं तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं तो फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं यहाँ पे हमने पोटैटोज़ के नहीं बल्कि स्वीट पोटैटोज़ के फ्राइज़ बनाकर तैयार किए हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के हैं आप बाहर के फ्राइज़ खाना बंद कर दीजिए और घर पे खुद से बनाइए क्योंकि घर की चीज़ें अच्छी भी रहती हैं बाहर के मुकाबले में और आप इसे एक चीजी सी डिप के साथ ट्राई कर सकते हैं बहुत मज़े के होते हैं सो तो वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ओके बाय